सवाल ये था कि एक औरत के यहाँ बच्चा पैदा हुआ, अभी कुछ अरसा गुजरा तो दोबारा फिर वो उम्मीद से हो गई, प्रेग्नेंट हो गई। तो क्या अब ये जो पहला बच्चा है 6 महीने का है या साल का है, तो दूध तो पिलाना है 2 साल तक, तो अब ये बच्चा इसके लिए ये दूध हलाल है कि हराम है? तो ये दूध हलाल है, हराम नहीं है। ये औरत अपने इस बच्चे को दूध पिला सकती है जिसका बच्चा अभी 6 माह का या साल का है और आगे फिर वो हमल से हो गई है, तो ये दूध पिला सकती है। हाँ, उमूमन ऐसा होता है कि जब औरत हमल से हो जाए तो दूध खराब हो जाता है, उमूमन ऐसा होता है, दूध खराब हो जाता है और वो दूध बच्चे की सेहत, जो बच्चा दूध पीने वाला है उसकी सेहत के लिए मुजर होता है। तो इसलिए उमूमन डॉक्टर ये कहते हैं कि अब इस बच्चे का दूध छुड़ा दिया जाए, क्योंकि वो दूध सही नहीं रहा, हमल की वजह से उस दूध के अंदर बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर मिलावट आ गई है जो बच्चे की सेहत के लिए ख़राब है। तो उस इतबार से अगर डॉक्टर ये कंफर्म कर दें कि ये दूध लेबॉरेटरी यानी ये बात बयान कर दें कि ये दूध बिल्कुल सही है, सेहत के लिए नुकसानदेह नहीं है, तो वो औरत मुसलसल अपने उस बच्चे को दूध पिला सकती है। या ये होता है कि उस दूध पिलाने की वजह से जो हमल है उस बच्चे पे असरअंदाज हो रहा है, डॉक्टर ये कह रहे हैं कि वो यानी दूध तो सही है लेकिन वो बच्चा जो हमल से है, वो बच्चा जो माँ के पेट में है उसकी सेहत ख़राब हो रही है, तो फिर वो दूध नहीं पिलाना चाहिए, या वो दूध ख़राब हो चुका है तो फिर वो दूध नहीं पिलाना चाहिए। दूध अगर सही हो और जो हमल है उस पर असरअंदाज ना हो, तो ये औरत अपने इस बच्चे को दूध मुसलसल पिला सकती है, इसमें कोई हर्ज नहीं।